एक बात तो क्लियर है, चाहे घर हो, चाहे सूबा, चाहे पार्टी और चाहे मुल्क, कोई एक शख्स अगर कानून से बालातर हो जाए वो एक शख्स मुल्क को तबाह करने के लिए काफी। सही है ना? अगर कोई कानून ऐसा हो जो मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, तो वो कानून नहीं है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। कानून तो वो है कि वो बादशाह के लिए भी वही और मेरे लिए भी वही। कानून की हुक्मरानी तो हजरत उमर के दौर में थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मेंबर पे बैठे हुए हाकिम बख्शी किसी शख्स ने कह दिया कि उमर माल जो बैतुल माल से चादरें मिली थी तो वो तो एक एक मिली थी, और तुम्हारा जुब्बा या तुम्हारा लिबास तो एक नहीं बन सकता, तो ये दूसरी चादर तुमने कहां से ली? सवाल था ना, मेंबर में बैठा हुआ हाकिम नीचे उतर के आ गया, जवाब खुद ही दिया, अपने बेटे से कहा जवाब दो, बेटे ने कहा तुम दुरुस्त फरमाते हो, एक में नहीं बन सकती थी, एक चादर मुझे मिली थी और एक मेरे बाबा को, मैंने अपनी चादर भी उनको दी तो इनसे लिबास बना। तो शर्मिंदा हुआ, माफी मांगी और वापस उसके बाद उमर अपने मेंबर पे जाके बैठे। आज तो कोई शख्स किसी को जवाब दे ही नहीं है। मैं कमजोर हूं, गरीब हूं, आफाक के घर पे रेड कर देना, जिससे तुम्हें कोई काम है उस पर सात खून माफ। जब कानून तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटरी हो, जब कानून तुम्हारा सबके लिए यकसा ना हो, तो ये मुल्क तरक्की करने की बजाय तबाही के दहाने में पहुंचेगा।